नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज गुरुग्राम और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी है, गुरुग्राम में करोड़ों की चोरी के मामले से जुड़ी हुई खबर है। आईपीएस धीरज सेतिया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई है और अग्रिम जमानत याचिका पर यह है तो करोड़ों की चोरी का यह मामला है और गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ छापेमारी कर रही है। आईपीएस धीरज सेतिया की अग्रिम जमानत पर यह सुनवाई हुई है और अब इस पर अगली सुनवाई 27 तारीख को होगी। आज भी अग्रिम जमानत पर कोई फैसला नहीं हुआ है। आईपीएस धीरज सेतिया भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। अब 27 जनवरी को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। तो चोरी के मामले में आज सुनवाई हुई लेकिन इस पर अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अग्रिम जमानत को लेकर के भी आज कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब 27 तारीख को इस पर अगली डेट दी गई है और अगली तारीख को देखना यह है 27 तारीख को सुनवाई में क्या कुछ होता है, क्योंकि अग्रिम जमानत याचिका पर आज भी कोई फैसला नहीं हो सका है। 27 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। आईपीएस धीरज सेतिया पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो गुरुग्राम से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करोड़ों के चोरी मामले में ये बड़ी जानकारी है। आईपीएस धीरज सेतिया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई है और अग्रिम जमानत याचिका पर आज भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। 27 जनवरी को अब इस पे अगली सुनवाई होगी। आईपीएस धीरज सेतिया पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इस मामले में अगली सुनवाई अब की जाएगी। तो 26 जनवरी को लेकर के गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अपनी कमर कस ली है और पुलिस कमिश्नर ने 125 टीमों का गठन किया है जो कि शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी संजय राठौड़ की ये रिपोर्ट देखिए। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुग्राम में पुलिस के द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चाक चौबंद कर दी गई है। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 29 सिग्नेचर टावर पर, जहां पर 3 लेयर की जो बैरिगेटिंग है वो गुरुग्राम पुलिस के जवानों ने की हुई है और साथ ही साथ जो वाहन है उनको रोक कर चेक किया जा रहा है, क्योंकि गुरुग्राम दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है तो इसके चलते गुरुग्राम की जो पुलिस की तरफ से तैनाती है वो बढ़ गई है और गुरुग्राम में सैकड़ों ऐसे चेक पोस्ट लगाए गए हैं जहां गुरुग्राम पुलिस के जवान गाड़ियों को रोककर उनको चेक कर रहे हैं क्योंकि कोई भी अनहोनी ना हो। गणतंत्र दिवस के मौके पर कहीं ना कहीं एक अंदेशा जरूर होता है कि कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दे दे, इसी के चलते गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने सैकड़ों पुलिस कर्मियों को अलग अलग पुलिस पोस्ट पर तैनात कर दिया गया है और वो वाहनों को चेक कर कर आगे जाने दिया जा रहा है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। तो जनवरी के महीने में बारिश ने पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जनवरी की शुरुआत के बाद से कई दिनों तक लगातार हुई बारिश से सोहना के कई गांवों की करीब 500 एकड़ जमीन पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। इसके चलते किसानों की खड़ी गेहूं की फसल पानी में पूरी तरह से डूब गई है। किसानों ने प्रशासन से पानी निकासी और उचित मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि खेतों में बरसाती पानी जमा हो रहा है जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। इससे पहले कभी रबी सीजन में इतनी बरसात नहीं हुई। इस बार खरीफ सीजन बड़ा नुकसानदायक रहा है और अब रबी सीजन में भी प्रकृति का प्रकोप फसलों पर पड़ रहा है। सरमतला में जो बेमौसम बरसात हुई है उसकी वजह से हमारे खेतों में लबालब पानी भरा हुआ, जिससे गेहूं की 90% फसल खराब हो गई है और आगे भी जो गेहूं बचे हुए हैं उनकी कोई उम्मीद नहीं है। तो हम प्रशासन से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ एक विशेष गिरदावरी करी जाए और हमें उचित से उचित मुआवजा दिलवाया जाए, इसके साथ पानी निकासी की भी कोई व्यवस्था करी जाए। जो जनवरी में दो बार बारिश हुई है इससे सरमतला की फसल को बहुत भारी नुकसान है और हम डीसी साहब, एसडीएम साहब और एससी साहब को पानी के बारे में अवगत करा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, ना ही कोई गिरदावरी के लिए कोई पहुंचा है। तो पहाड़ी क्षेत्र में हो रही बर्फबारी से अब शहरी क्षेत्र में भी ठंड बढ़ गई है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं।
लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद अब शहरी क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं ठंड का कहर जारी है और लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट नजर आ रही है। लगातार जो लोग हैं वो आग का सहारा ले रहे हैं और मैं इनसे जरूर बात करूंगा किस तरीके से लगातार गुरुग्राम में जो टेम्परेचर आए दिन गिरता जा रहा है। कितनी ठंड और किस तरीके से आप देख? ठंड तो भैया काफी पड़ रही है, आग के सहारा लेके किसी तरह सुबह शाम गुजारा कर रहे हैं और काफी ठंडी पड़ रही है भैया। हवा भी बहुत तेज चल रही है, बारिश भी दो दिन काफी बारिश हुई है, इसके वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। आप क्या कहें? बहुत ठंडी है भाभी, बहुत ठंडी है। हम लोग जाड़े में बिल्कुल हिल जा रहे हैं, वो आगे इसके सहारा ले रहे। हाँ तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आग का सहारा ले रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार आए दिन जो ठंड का कहर है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन लगातार दो दिन बारिश हुई थी वो भी एक बड़ा कारण है जिस तरीके से जो सर्दी है अधिक होती जा रही है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। वहीं गुरुग्राम में काफी समय से आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। गुरुग्राम में परमानेंट होने को लेकर के जिला प्रशासन और सरकार के सामने प्रदर्शन किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि उनको परमानेंट किया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने गुरुग्राम के विकास सदन का घेराव किया। उनका कहना है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को या तो फिर से बहाल किया जाए, नहीं तो फिर इसी प्रकार से उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। गुरुग्राम में मतदाताओं की जागरूकता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए खंड विधानसभा क्षेत्र जिला स्तर पर शपथ दिलाई जाएगी। इसके तहत भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखने, अपने देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बनाए रखने और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर के धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, इसकी शपथ दिलाई जाएगी। इस दौरान जिले की चारों विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ बूथ स्तर अधिकारी, पोस्टर मेकिंग, भाषण प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर के स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। जिला गुरुग्राम के सभी मतदाताओं को 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस है जो कि प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में बूथ स्तर से राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। मैं उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी गुरुग्राम, जिला गुरुग्राम के सभी युवाओं, महिलाओं व दिव्यांगजनों से अपील करता हूं कि अपनी आयु या उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर अपना वोट अवश्य बनवाएं व मतदाता होने का गौरव प्राप्त करें। तो बढ़ते कोरोना के मामले के बीच गुरुग्राम के रियल एस्टेट बूम पर है और गुरुग्राम में कमर्शियल और रेजिडेंशियल इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी की डिमांड्स लगातार बढ़ रही हैं। अब रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो गुरुग्राम में डिमांड सप्लाई चेन बढ़ते हुए इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी की डिमांड पूरी करने में असमर्थ नजर आ रही है। एसईओ खाली प्लॉट्स के प्रति ग्राहकों को लगातार पहली पसंद बनता जा रहा है। जहां पहले ही हाई राइज सोसाइटीज में फ्लैट्स या फिर विला ढूंढ रहे थे, अब बढ़ते हुए कोरोना के मामले के साथ रियल एस्टेट में भी काफी उछाल आया है। इंडिपेंडेंट कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ ग्राहकों का अब रुख नजर आ रहा है। गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव के अंदर आने वाले समय में कमर्शियल और रेजिडेंशियल जितने भी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं उनकी काफी डिमांड रहेगी आने वाले समय में, क्योंकि गुड़गांव के अंदर प्लॉट जितने भी रहे हैं उनका प्राइस कभी भी डाउन साइड कभी नहीं गया, या तो स्टेबल गया है या हमेशा एप्रिसिएशन ही हुआ है। प्लस में गुड़गांव के अंदर गेटेड कम्युनिटी एज ए प्लॉटिंग डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो उस वजह से जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है, इसलिए उसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है। अगर मैं कमर्शियल एससीओज की बात करूँ, इंडिपेंडेंट प्लॉट्स की अगर मैं बात करूँ, तो ऑल अक्रॉस गुड़गांव के अंदर इस टाइम पे डेवलपर्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं जो शॉप कम ऑफिस की न्यू डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। पहले हुड्डा के एससीओज होते थे, उसके अंदर आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपने आज प्लॉट परचेज किया, काफी टाइम तक आपका प्लॉट खाली पड़ा है,
बट आज की डेट में डेवलपर्स के साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपने जो प्लॉट पे आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें 18 months to 24 months में आपको प्लॉट में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। तो उस दौरान मार्केट के अंदर आपको FAR के अकॉर्डिंग आपको एफिशिएंसी एज ए सुपर टू कार्पेट एरिया वो काफ़ी अच्छी मिलती है। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी, आपको नीचे से लेके ऊपर तक आपको अपनी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एक एडवांटेज मिलता है। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ गुरुग्राम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।